Hello aspirants, I am back with my new lecture and this will be some kind of motivational speech and much more handling the first chapter of the 11th class, that is Living World. I will talk about life and all. So as you all know, I am Ashish Gupta, ex-student AIIMS New Delhi, and my channel is Medico Acme India. So first I will talk about I will start with some few questions. Question number one is NCERT. And as you all know, today is a lecture which is much more focusing toward how to study, and as you can you were seeing the title, how to study and what are the strategies which can we follow, which can be followed by us so that we have a good marks as an aspirant. So first thing which I will discuss is the plan, the reference book and NCERT book, how much extent you are going to tackle NCERT, how much of the study that you can be taking help of reference book. So the next thing will be the strategies. What are the strategies, what are the proportion of, suppose ki kitna ratta lagane chahiye, क्योंकि as you all know, medical is all focusing toward the ratta. तो कितना रट्टा कौन से subject में मारना है, that will be all we are discussing today. And first of all I will talk about, I will tell you that the today is 1st of July and that is Doctor's Day. So you this is a very great day for all of us, that you are aspirant and some are doctors. So you all are saving life or going to save life in the future world. So this is a great day for you and all, you and us. So first start with the question number one, that is NCERT. So you all know ki NCERT bahut hi important hai. NCERT aaj ke exam agar aap dekhe to sare exam mein NCERT hi poochte hain. NCERT ke lines, you have to be very much sure about what line is in which of the page it is existing. So NCERT becomes very important for assessment region if you talk about the AIIMS. But now AIIMS is merging with the NEET. So I don't know you, मेरे ज़्यादा आपको पता होगा कि कितना आप कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे टाइप के क्वेश्चन नीट में आएंगे, लेकिन पहले एजेसन रीजन होते थे तो वहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन्स ही पूछे जाते थे. ठीक, तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है. आप बायो की बात करो तो बायो में भी एनसीईआरटी, अभी भी एनसीईआरटी ही पूछते हैं. जैसे कि आप देख रहे थे पिछले बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 560 के अराउंड कट ऑफ चली गई थी जनरल की या ओबीसी की, आई डोंट नो. तो वहाँ पे भी यही होता है कि एनसीईआरटी ही पूछते हैं. जितना हो सके आप एनसीईआरटी को याद करने की कोशिश करो, और एनसीईआरटी में अगर एक पॉइंट लिखा है, एक चीज़ हाईलाइट है, तो उस हाईलाइट को आपको अब दिमाग में हाईलाइट करना है. तो 100% एनसीईआरटी को आपको 100% देना ही देना है. और एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरा भी पैटर्न वही होगा, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पढ़ाऊंगा मैं. जो भी पढ़ाऊंगा सिलेबस एनसीईआरटी होगी, थोड़ा आगे होगा थोड़ा पीछे होगा, आई मीन कि थोड़ा सा जैसे कि आप होता है ना कि बटर लगाओ रोटी पे तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही एनसीईआरटी तो होगी, उसके ऊपर हम बटर लगाएंगे. थोड़ा सा हमारे नोट्स होंगे जो आकाश के हैं, आकाश के मॉड्यूल्स होंगे, फिर रेफरेंस बुक्स की भी थोड़ी सी लाइन्स होगी, और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होगी, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स या कोई अगर चीज़ यूज़ हो रही है तो वो होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, दो थिंग जो कि बहुत ही बच्चे मिस करते हैं, जो कि नहीं सोचते कि ये इररिलेवेंट है, लेकिन वो इररिलेवेंट नहीं होते, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे इनडायरेक्टली आए या डायरेक्टली आए. तो वो दो चीज़ें होती है एग्जाम्पल्स, जो कि आपके बीच में एग्जाम्पल्स दिए गए एनसीईआरटी के बीच में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ऑल सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स, एंड जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल देखते ही नहीं हो कि एक्सरसाइज में कुछ है अभी, सोचते हैं बहुत ही हार्ड है ये, तो वो एच सी वर्मा से तो हार्ड नहीं है, वो सभी जानते हैं. तो वो आपको करने ही करने हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली पूछो, रिलेटेड पूछो, या कैसे भी क्वेश्चन आते ही एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी की बात यहीं पर ख़त्म होती है कि एनसीईआरटी में आपको दो चीज़ देखना ही देखना है. एक तो एनसीईआरटी की पूरी बुक, पूरे हाईलाइट्स, पूरे डायग्राम्स, पूरे फोटोज़, फोर वे कर्व्स, जो भी कर्व दिए हैं, प्लॉट दिए हैं, सारी चीज़ें एकदम आपको दिमाग में बैठा ही लेनी है, हाईलाइट कर लेना है वहाँ पे. ठीक, और नंबर सेकंड चीज़ ये एग्जाम्पल अंदर में जितने भी है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों के एग्जाम्पल्स आपके जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो. द सेकेंड थिंग विच आई विल डिस्कस अबाउट दी रेफरेंस बुक, विच रेफरेंस बुक विल बी वेरी गुड फॉर यू, एंड विच रेफरेंस बुक इज वेरी मच, कि अभी क्या है ना कि आपको इस स्टेज पे हो कि अभी आप जस्ट 10th से 11th में आए हो,
तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ सकते। आप अगर चाहते हो कि हम बहुत फॉरेन ऑथर के बुक पढ़ें तो वो नहीं करो। अगर कोई बोल रहा है आपको करने के लिए, दैट इज़ वेरी 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 हैक्टिक थिंग एंड वेरी वेरी इरिलेवेंट थिंग, तो उसमें आपको जानी नहीं है, इग्नोर करो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हो ना, आपको कान बंद करनी होती है। कान तो बंद इसलिए करनी होती है कि आपको सिर्फ फिल्टर लगा लो कान पे, जो आपको ऑप्टिमिस्टिक थिंग लगे, जो आपको पॉजिटिविटी दे, सिर्फ उसी चीज़ों को फिल्टर लगा के हमारे कान के अंदर जाएगा, उसी को दिमाग से प्रोसेस करना है। बाकी कोई नेगेटिव बोले कि ये इतना हार्ड है, वो नहीं होता, वो बहुत हार्ड है, कुछ भी है, कुछ हार्ड नहीं होता, सब आपके ऊपर है। आप अगर दिमाग को जैसे ट्रेन करोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर फिजिक्स आपको करनी है तो वो प्रैक्टिस ही है। सॉरी गाइस। तो फिर ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको हम आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में तो एलिमेंट्री बुक होती है ट्रूमैन्स की, दैट इज वेरी 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 तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस बुक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे। तो रेफरेंस बुक में वो होती है कि एडॉन्स है, ठीक, एडॉन्स है, मतलब कि ट्रूमैन्स बायोलॉजी आपको अगर देखो, एलिमेंट्री बायोलॉजी आती है ट्रूमैन्स की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पीछे के भी होते हैं, आगे के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको दे, सॉरी यार बहुत हमारे कॉल आ रहे थे अभी, तो ठीक है। तो इसके लिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप प्रदीप्स फॉलो करो, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से, सारी टॉपिक नहीं पढ़नी है। जैसे कि आप मैकेनिक्स अगर पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ने हैं, लॉज पढ़ के छोड़ दो, जो एनसीईआरटी में उसी को पढ़ो। अगर बकवास कुछ दे रहे हैं कि कोई हाई लेवल का दे रहे हैं तो उसको निपटने की जरूरत नहीं है। अब जो भी कुछ पूछ रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी के बेसिस पे पूछ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वही सिलेबस है सीबीएसई का, वही नीट में भी आएंगे, वही सब कुछ में आएंगे। तो प्रदीप्स आपको तब पढ़नी है जब आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप नहीं हो रहे, तो वो आपको करनी है, ठीक। तो और ट्रूमैन्स के क्वेश्चन तो करो ही, जो पीछे होते हैं उसमें लिखे होंगे कि यूपीपीएमटी में पूछे गए क्वेश्चन है 2008 में, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत पुराना है तो छोड़ देना है, उसको भी करना ही है, ठीक। और नंबर थर्ड थिंग आती है कि हमें एच सी वर्मा हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो ये एच सी वर्मा जो है वो आप बिल्कुल ही मत पढ़ो नीट के लिए, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा एच सी वर्मा अगर पढ़ रहे हो आप तो टाइम ख़राब कर रहे हो। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एनसीईआरटी के जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं ना वो कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा एक्सरसाइजेज, हाँ। तो ये बिल्कुल शो ऑफ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, शो ऑफ के चक्कर में मत पढ़ो बिल्कुल भी। तो एच सी वर्मा हमें करना ही नहीं है, ठीक, करना ही नहीं है तो नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको करने से। उससे अच्छा आप आकाश के मॉड्यूल्स हैं उसके क्वेश्चंस कर लो, पीछे के आकाश के मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, आप मंगा सकते हो, तो उसके क्वेश्चंस कर लो, वो ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, ज़्यादा क्या, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक। तो ये शो ऑफ तो नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि नीट और सीबीएसई में क्या अंतर है, किस तरह से नीट के लिए पढ़े, किस तरह से सीबीएसई के लिए पढ़े। तो हम सब जानते हैं कि सीबीएसई में जो भी है सब्जेक्टिव है, नीट में जो भी है ऑप्शनल है। तो सीबीएसई में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे ये चीज़ दिमाग में लगानी पड़ती है, आपको सेंटेंस देखने पड़ते हैं, क्या आगे है, क्या पीछे है, क्या चाहिए, क्या छोड़ना है, तो वो चीज़ आपको सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें अगर आप एक पॉइंट छोड़ भी दो तो उसमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, अगर 10 पॉइंट है एक पॉइंट छूट भी गया तो वो, अगर आपने 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए तो आपको 10 में 10 नंबर में मिल जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नीट में अगर एक पॉइंट भी आप छोड़ दिए तो वो एक नंबर आपका गया, एक नंबर मतलब कि 4 नंबर चला गया, 720 में से 4 नंबर बहुत माने, 4 नंबर में तो मान के चलो कि आपके 10,000 स्टूडेंट आ सकते हैं, 10,000 नहीं तो 1,000 तो स्टूडेंट आ ही सकते हैं 4 नंबर में, ऐसे होते हैं ये नंबर, ऐसा ही होता है 0.25 वगैरह, तो 0.25 पे समझो कि 100 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं, ऐसे होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ही टफ होता है, ठीक। तो प्रोपोर्शन ऑफ रट्टा, हम जो आपको बताया कि मैं बताऊंगा कितने रट्टा मारने हैं कौन से सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आते हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में ये 9 स्टार, 8 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार, ये सब आप देख रहे हो। ये क्या है कि एक्सटेंट अगर हम 100% का रखें कि 100% है, तो उसमें से 90% कौन से सब्जेक्ट में रट्टा ही है और उसको करना ही है। उसमें आप पहले से माइंड सेट कर लो कि 9 स्टार है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, 10 out of 9 है ये, 9 out of 10 है, सॉरी, तो 9 out of 10 है, तो मतलब कि आपको 90% में रट्टा ही है, 10% आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये एज इट इज जैसे है वैसे रट्टा मार लो, टैक्सोनॉमी बायोमोलिक्यूल्स में कुछ सोचना ही नहीं है। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इसमें क्या है कि उसमें बहुत हद तक एनाटॉमी की बात करो, टिश्यूज वो याद करने बहुत ही मुश्किल होते हैं कि कौन सा ब्रेस्ट वाटर एपिथीलियम है तो वो कहाँ पे है,
तो ये सब आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मॉर्फोलॉजी में थोड़ी सी समझने की है, उसमें भी रट्टा ही है, एग्जाम्पल्स नहीं रट पाओगे आप, चाहे वो आप चाहे उसकी बात करो बॉटनी की या फिर आप एनिमल की बात करो एनिमल मॉर्फोलॉजी की, तो वही है, वो रटना ही पड़ेगा आपको। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में भी बहुत हद तक आपको रटना ही पड़ेगा, जितने भी जीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, डाटा बॉक्स होते हैं, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होती है, तो वो सारी कुछ आपको रटनी पड़ेगी, बिल्कुल ही रटनी पड़ेगी। फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी में थोड़े से कम आपको रट्टा मारने हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जेनेटिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ समझने की है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी सी कल्चर एनीमिया में क्या होता है, अब जैसे कि जी यू जी है या ग्लूटामिन वेलिन का वो है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन का, तो वो कैसे, ये सब आपको करने ही पड़ेंगे। फिजियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपको रट्टा मारने, लेकिन समझनी भी है। इसमें सेल बायो में आपको बहुत कम होती है जो चीज़ें आपको रट्टा मारने की होती है, तो उसको उसमें आपको 60% आपका माइंड सेट होना चाहिए कि इसमें रटने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, आप फॉर्मूला रट्टा मार सकते हो, बाकी तो सब कुछ आपके दिमाग पे ही डिपेंड करता है, कैलकुलेशन एंड ऑल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 9 स्टार, उसमें मतलब कि आपको बहुत 90% चीज़ें ऐसी है जो आपको रटनी है। 8 स्टार में तो 80% चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रटनी है, अब कोलबिज रिएक्शन है तो उसको रटना ही है। थोड़ी बहुत जो है, अगर हम इसकी बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स वगैरह की कॉन्सेप्ट, वो आती है ऑर्गेनिक में, तो उसमें थोड़ा सा कम रट्टा मारना पड़ता है, बाकी सब तो रट्टा मारना ही है। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में, अब मॉडर्न फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स में वो है, सेमी कंडक्टर तक आप मान लो कि मॉडर्न फिजिक्स ही है, तो उसमें आपको रटना ही पड़ेगा। अब कहाँ है NPN, ये सब कुछ रटना ही पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें डिस्कवरीज रटनी पड़ेगी आपको। अब तो मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रटना ही है आपको, 80% मान लो कि आपको माइंड सेट होना चाहिए कि 80% रटना ही है इसमें, 20% दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ऑसिलेशन वेव्स में बहुत सारी चीज़ें, कैपिलरीज की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही अच्छा, ऑर्गन पाइप की कॉन्सेप्ट में, इन सब में बहुत वो आती है, तो वहाँ कम रट्टा मारने की ज़रूरत है। 6 स्टार इसको देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी फॉर्मूला आप रट्टा ही मारना पड़ेगा, फॉर्मूला तो जो भी है, बोलते हैं कि फॉर्मूला समझने की ज़रूरत है, समझने की कोशिश मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, डेरिवेशन आप कर लिए हो तो फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, वो डेरिवेशन करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखते हो तो लिखना सबसे बेहतरीन चीज़ है, कि लिखने के बाद जो है ना, आप 50% चीज़ें ऐसे ही याद कर लेते हो, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि आप मेरी लेक्चर देख रहे हो ऐसे ही पढ़े हो, ऐसा नहीं, नोटबुक साइड में खोल के रखना है, जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा उसको लिखो, लिखने से मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब आप कहो कि वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। मैकेनिक्स में आपको 5 स्टार फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, बाकी रटने की जरूरत जितना मैकेनिक्स, रोटेशन और ग्रेविटेशन, इसमें आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए इसमें और कुछ नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में थोड़ा चल जाता है कि आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको ऐसे ही पूछ देते हैं। अगर आप कैपेसिटेंस की बात करो तो किसी की कैपेसिटेंस, कोई कोई आप ऐसे ही बना सकते हो उसको, लेकिन ग्रेविटेशन और मैकेनिक्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसमें तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, समझे। तो ये थी आपकी कितना रट्टा मारना, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, समझ गए। तो डेविएशन स्टडीज, अब हम बात करेंगे जनरल थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो डेविएशन स्टडीज टू कॉप अप विथ में आ जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ही बहुत बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ही बढ़ती जा रही है, अब कुछ हद नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगी, कंपटीशन का आप कुछ नहीं कर सकते, ये इंट्रेंसिक फैक्टर है। तो ये बस ये जो है ये इंट्रेंसिक फैक्टर है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये दुनिया कंट्रोल कर, इसमें आप इसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, समझ गए। तो कंपटीशन तो होगी होगी, अब यही बात आ जाती है नेचुरल सिलेक्शन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको इस तरह से आपको ढालना पड़ेगा, अपने आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, इस तरह से आपको कार्व करनी पड़ेगी, आपको क्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, तो कोई कंपटीशन का तोड़ नहीं है, बस यही है कि आपने आपको क्राफ्ट उस तरह करो कि आप सर्वाइव कर सको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नथिंग एल्स। तो हमारे बच्चों में आजकल के जनरेशन में बहुत, हमारे टाइम में ये था कि हमारे मोबाइल ही नहीं थे, मोबाइल था भी तो नोकिया 120 जो बोलते हैं 1110 वही होता था, सिर्फ बात करते थे। आज के ज़माने में तो आप मेरे लेक्चर ही खोलने बैठो, सजेशन में कुछ और आ जाए तो आप क्लिक कर दोगे, वो बिल्कुल नहीं करना। मोबाइल डेविएशन होती है और ये नेचुरल थिंग है, ये होएगी। और स्लीप तो भाई करना ही है, वो स्लीप का तो पैटर्न होता है, जैसे मैं आपको अगर स्लीप के बारे में बताऊं तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है ना कि नशा है वो, अगर आप जितना सोओगे उतना आपको सोने का मन करेगा,
अगर आप 7 घंटे सोते हो तो आप 7 घंटे अगर रिजीम बना लिए तो आप 7 घंटे में अपने आप ही नींद खुलेगी। कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन तक करते हो, 14 से 21 दिन तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो आपके जहन में हो जाता है। फिर आपको नहीं भी करना चाहो तो वो भी तो भी काम वो करोगे। अगर आप 14 दिन तक दौड़ने जाते हो, 15वें दिन आप सोचोगे नहीं जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं हम, ठीक। तो वो सोचनी नहीं है, मोबाइल डेविएशन होगी होगी, स्लीप होगी, लेकिन बात आती है इसको हम कॉप अप कैसे करें। इस चीज़ से कॉप अप करने का बस एक तरीका मोबाइल डेविएशन का कि हम ये, मैं ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल नेग्लिजेंस करो, बिल्कुल करना ही नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो नहीं करो तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। करनी है मोबाइल डेविएशन, उसका एक टाइम बनाओ, बस ये टाइम बनानी पड़ेगी आपको। हर चीज़ की एक रिजीम होनी चाहिए, एक रिजीम के अंदर होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल डेविएशन है तो आप क्या करो, 1 घंटा अपने दिन का ऐसा निकालो, उस समय आप जितना कुछ करना चाहते हो, चाहे फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप स्टेटस देखना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। अब दोस्त लगा रहे हैं, देखना पड़ेगा, सोशल होना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो आपको करनी है। तो वो आप YouTube वीडियो देखना है, आज तक के नॉन स्टॉप 100 देखने हैं, कुछ भी देखने हैं आपको, तो वो 1 घंटा आपके पास ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप ये काम करो। मैं तो कमोड पे बैठ के भी कर लेता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस देख लेता हूँ, जो भी मेरा 15 मिनट का होता है तो मैं कर लेता हूँ, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये काम आपको 1 घंटा आप खाने के बाद रात को लगा लो, या आधा घंटा खाने के बाद दिन में, आधा घंटा खाने के बाद रात में लगा लो, या आधे घंटे में आपको करना है। ऐसा नहीं कि 35 मिनट हो जाए, आधे घंटे तो आधे घंटे में आपको सारा काम करना है। इंस्टाग्राम के स्टेटस चेक कर लेने हैं, इंस्टाग्राम में लाइक मारने हैं जितने भी अपने अनन्या पांडे को या किसी को भी, तो वो आपको लाइक तभी मारने हैं, समझ गए। तो यही है, कन्फ्यूज स्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ, ऐसा ख्याल आता है कभी कभी कि मैं पढ़ के क्या होगा, या फिर कुछ करने का ही मन नहीं करा। कन्फ्यूज स्टेट मतलब आप कन्फ्यूज हो कि मुझे कुछ करना भी है या नहीं करना है, करना चाहते हैं तो नहीं करने के कम मन होता है, और आप कितना भी कुछ कंट्रोल करो तो आप सोचते हो कि अरे क्यों नहीं नहीं करते हैं, या कुछ समझ ही नहीं पा रहे। तो वो समझ नहीं पाने वाला स्टेट कन्फ्यूज स्टेट है, वो कभी कभी होता है, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या हुआ है और क्यों आप डेविएटेड हो, कुछ नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सो जाना है, 2 घंटे सो जाओ, 2 घंटे। कन्फ्यूज स्टेट बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये आपके बहुत टाइम खराब कर देगा। कभी कभी लोग एक दिन खराब कर देते हैं। आप 2 घंटे सो जाओ, सोने के बाद आपका कन्फ्यूज स्टेट खत्म। नहीं बोलते हैं सोना एक नई जिंदगी की शुरुआत है, मेरे हिसाब से सोना एक नई जिंदगी की शुरुआत ही है। अगर सो गए आप 1 घंटा तो उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से छोड़े थे वहाँ से। तो 4th पॉइंट आता है, एवरी डे इज अ स्टार्ट, डोंट वेट। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि हम ये टेंडेंसी होती है और ह्यूमन की टेंडेंसी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सबका हो, ये होता है। चाहे आप जिम में स्टार्ट करना चाहो तो आप बोलोगे मैं 1 तारीख को स्टार्ट करूँगा, 25 तारीख को स्टार्ट करूँगा, 20 तारीख को स्टार्ट करूँगा, 15 तारीख को स्टार्ट करूँगा, 10 तारीख। ये राउंडिंग ऑफ क्यों चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है राउंड ऑफ करना। जब जाओ तभी सवेरा सुना है ना, तो आज से स्टार्ट करो, तो आज से स्टार्ट करो। 28 तारीख को चाहे 29 तारीख को, उसको राउंड फिगर में क्यों ले जाना 1 तारीख के बदले, स्टार्ट करो तो करो, ठीक है। तो इसमें 1, 15, 10, 30, 1 का 15 का 10 का, इन तारीखों का वेट नहीं करना, जब स्टार्ट कर दो तो कर दो। लास्ट थिंग आती है रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 16 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन में आपको 4 घंटे पढ़ो, तो ये एवरेज निकालने वाली, एवरेज नहीं निकालना हमें 1 घंटे ही पढ़ो, क्वालिटी चाहिए हमें, हर दिन का वो चाहिए, हर दिन ही पढ़ना है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। मतलब जैसे खाना है ना आपके लिए, कि खाना है तो खाना है, कुछ भी हो जाए हम खाना नहीं छोड़ेंगे, रेगुलरिटी भी ऐसी होनी चाहिए पढ़ाई में, पढ़ना है तो पढ़ना है, जिस दिन खाना नहीं खाएंगे उस दिन पढ़ेंगे नहीं, समझ गए, बैठ गए तो बैठ गए, उस बीच में ना मोबाइल छूना है ना कुछ छूना है, पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, ठीक है, मोबाइल छू रहे हो तो कोई सजेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप वो नहीं, नोटिफिकेशन बंद कर दो व्हाट्सएप के जब आप पढ़ने लग जाओ तो, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप इस स्टेज में हो, 11th 12th 10th तक कोई बात नहीं, 10th में आपके कितने परसेंट है कोई नहीं पूछता, लेकिन 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप MBBS पढ़ो या फिर आप कुछ भी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो वो सब कुछ चीज़ें इन्हीं से बनी है। 11th 12th इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे सेल बिल्डिंग ब्लॉक है ना अपने एनिमल का, तो 11th 12th बिल्डिंग ब्लॉक है आपके पूरे करियर का, समझ गए। तो 11th 12th को हल्के में मत लो, इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, ये ज़िंदगी में अगर एक बार पढ़ लिए तो फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। 11th 12th हमें ऐसे भी नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ ऑब्लिगेशन ही है कि ये करना ही है, कुछ नहीं करना है, समझ गए। जैसे कि ज़िंदगी में तो बहुत चीज़ें आएंगी जो आपको कॉलेज में करोगे, कॉलेज में तो कॉलेज होता ही फ़न है, बस यहाँ पे आपको उस फ़न को मारनी है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा डेविएशन। तो ये चीज़ आप जहन में रख लो, जो बोला ना कि बहुत कुछ करने के लिए, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसको आप रट लो, यही सब कुछ है। इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव देन ऑलवेज थिंक
दिस इज द लास्ट टाइम एंड इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय देन ऑलवेज थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम. समझ गए, फर्स्ट टाइम वहाँ थिंग लिखा है. ठीक, तो फर्स्ट टाइम कि अगर आप अचीव करना चाहते हो तो हमेशा सोचो कि ये जो है ना हमारे लिए लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं आएगा अचीवमेंट के लिए हमारे पास मौका. अगर हमारा ये थॉट बन गया तो बन गया, आप एंजॉय करना चाहते हो एंजॉय करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, ये फर्स्ट टाइम है एंजॉय करने का. तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, थिंक के जगह टाइम है, वो आप थोड़ा वो कर लेना. ठीक, तो हम बात करते हैं अपने लेक्चर्स और क्लासेस की. लेक्चर्स क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आज हम लाइफ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड क्लास लिविंग वर्ल्ड का होगा जो हमने आपको एक टेलीग्राम पे वो दिया है, टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हो हमारे इसमें. ठीक, तो एक हमारे पास तीन लेक्चर्स होंगे, मोटिवेशनल स्पीच होगी जो आज हो रही है, ये मोर और लेस आप कह लो मोटिवेशनल स्पीच है, तो ये आप देखो ये एडवांस है आपके लिए. लेक्चर्स तो होंगे, लेक्चर जो आएंगे ये फॉर्मेट में आएंगे जो फॉर्मेट हमने दिया है यहाँ पे 11th 12th नीट. ठीक, तो इस फॉर्मेट में आएंगे लेक्चर्स, वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, आपको लेक्चर्स देखने हैं और मोटिवेशनल स्पीच देखनी है. समझ गए, लाइफ साइंसेस को आपको ध्यान नहीं देना, वो हमने कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किया है, मैंने डिज़ाइन किया है एक्चुअली, तो वो CSIR नेट के बच्चों के लिए है, तो हमारे पास डिमांड आ रहे थे, तो वो अलग टॉपिक है, वो हफ्ते में क्या मतलब आप लगा लो महीने में एक दो टॉपिक होगी. तो लाइफ साइंस आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अगर आप नीट के लिए कर रहे हो तो सिर्फ आपको लेक्चर्स देखने हैं, मोटिवेशनल स्पीच देखनी है. ठीक, और बात आती है हमारी क्लासेस कैसी होगी, ब्लैक बोर्ड टाइप होगी या डिजिटल होगी, तो हमारी क्लासेस जो भी होगी वो डिजिटल होगी. मैं भी एक डिजिटल नहीं चाह रहा था लेकिन अभी ऐसी ये चीज़ें हैं कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अरेंज कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड टाइप, तो वो नहीं हो रहा, उसमें बहुत सारी तामझाम आ रही है तो वो नहीं हो पा रहा, तो हम डिजिटल ही करेंगे, PPT प्रेजेंटेशन करेंगे, व्हाइट बोर्ड हम ऐप यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला या डायग्राम जो भी होगा वो समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो डिजिटल ही होगी. तो इसलिए मैं लिखा हूँ डिजिटल बट नॉट बाय हार्ट, क्योंकि मैं खुद भी दिल से डिजिटल नहीं हूँ, मतलब मेरा वही है कि ब्लैक बोर्ड टाइप क्लासिकल लर्निंग होती है, तो मेरी क्लासिकल लर्निंग ही बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे वो. समझ गए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. ठीक है, अब बात हम अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस की. तो सिलेबस में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो लिविंग वर्ल्ड है 11th क्लास का, और आपको जैसे मैंने मॉड्यूल दिया था वो जिसमें कि हमने वो सिलेबस के बारे में बताया था कितने कितने लेक्चर्स होंगे हमारे, तो उसमें सबसे फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमारे लिविंग वर्ल्ड का था. लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट होनी भी चाहिए क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ है. ठीक, तो अगर हम बात करें तो लाइफ है क्या, आप कैसे कहोगे कि हम जिंदा हैं. ठीक, तो ये सॉरी मैं थैंक यू पहले बोल चुका हूँ, एक बार और थैंक यू बोल दूंगा बाद में. ठीक है, तो हम थोड़ी 2-3 मिनट में बस लाइफ को हम देखेंगे, लाइफ है क्या. ठीक है, अगर हम प्लांट हैं या एनिमल है कुछ भी है, हम उसको लाइफ क्यों बोलते हैं कि ये लाइफ है, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसको डिस्टिंग्विश करे कि ये नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट है, डैट इज़ लाइफ है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं. हमारे NCERT में 4 प्रॉपर्टीज़ दी गई है इसकी, तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेनली. तो और उन 4 मेन चीज़ आती है कि अगर आपके NCERT में कोई भी स्पीसीज़ की जिक्र होती है, समझ गए, चाहे वो सेक्वाई क्यों ना हो टॉरेस्ट प्लांट, तो उसको आपको जहन में उतारना ही है. आप समझ लो कि ये क्वेश्चन है मेरा, मैं चाहे उसको प्रैक्टिस कराऊँ ना कराऊँ, मैं हाईलाइट कर दूंगा वो, फिर उसको आपको याद ही करने हैं. समझ गए, तो अब फर्स्ट जाती है लाइफ. अगर हम लाइफ को देखें तो लाइफ वो चीज़ है जो आप बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि हाँ ये लाइफ है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है. ठीक, तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, मतलब कि हम अगर आपको बोलते हैं कि लाइफ ऐसी चीज़ है जो ग्रो करे, हम ग्रो कर रहे हैं तो हम लाइफ है, प्लांट ग्रो कर रही है तो लाइफ है, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रो होती है टाइम के साथ. स्टोन है तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फॉस्फेट होगा, बाकी सारी चीज़ें मिनरल्स एक्यूमुलेट होगी तो वो बढ़ेगा, वो लाइफ नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है. तो ऐसी चीज़ें होती है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्शनल है हाँ. तो कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लाइफ के लिए बहुत ही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो उन सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें आती है जो कि ग्रो करे, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रो करना. एक दूसरी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल ही करेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हो आप लाइफ की है. तो उसमें हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो बस और बस एनिमल और प्लांट ही करेंगे, माइक्रोब्स करेंगे जो लिविंग है. ठीक, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी केमिस्ट्री, सेल के अंदर की केमिस्ट्री, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. केमिस्ट्री को हम अगर हम केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कहते हैं, दिस इज स्लाइटली वो हो गया थोड़ा सा, ठीक है रिदम, लेकिन केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री को बायो में मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म के 2 चीज होंगे, कैटाबॉलिज्म होंगे, एनाबॉलिज्म होंगे. कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कैटाबॉलिज्म,
प्रोड्यूसिंग समथिंग इज एनाबोलिज्म। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो लाइफ इज समथिंग, अगर हम लाइफ को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, लाइफ इज समथिंग विच कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। सो दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, दिस डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये हो कि वो कोई भी चीज़ अगर आप इन्वायरमेंट से उसको ट्रिगर दे रहे हो तो उसको आपको रिस्पॉन्ड कर दे, हाँ। उसी तरह से वो पॉपुलेशन वो एग्जिस्ट कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए वो क्या करे, अपने आप को ग्रो करे। तो डेट इज लाइफ। हम लाइफ के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया लिविंग वर्ल्ड, आपको थोड़ा सा मैं इंड्यूस किया हूँ। ये मेरा मोटो बस 2-3 मिनट का आपको लाइफ के बारे में बताने का ये था कि आप अपना माइंड सेट कर लो, हम लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। 2 क्लासेस होंगे लिविंग वर्ल्ड की, आप टेलीग्राम के चैनल पर जाकर हमारे PDF फाइल जो मैंने अपलोड की है उसमें देख सकते हो। 2 लेक्चर हैं इसके, तो 2 लेक्चर होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।